इधर नया इनकम टैक्स स्लैब भी आप समझिए, आय जिसकी 5 लाख है, पहले 13,000, अब 0 और बचत 13,000 यानी आपको होगी। अगर आपकी आय 5 लाख थी, पहले आपको टैक्स स्लैब देनी होती थी 13,000 उस पर, अब क्या है आपको 0 इस पर पैसे देने होंगे, यानी सीधा सीधा आपका 13,000 बच गया। अगर आपकी आय जैसे कि 7.5 लाख है, तो पहले क्या होता था, आपको 7.5 लाख रुपये पर 65,000 रुपये देने पड़ते थे टैक्स के हिसाब से, लेकिन अब ये स्लैब थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी कम हो गई है, 49,000 के करीब, यानी काफ़ी फायदा। और 10 लाख की जिसकी इनकम है 11,000, 17 के करीब ये पहले देना होता था, लेकिन 99,840 अब देना होगा 1 लाख, यानी कि पहले 11,17,000 देना होता था, अब 99 लाख देना होगा। 10 लाख से अधिक आए हैं तो 4,29,000 देना होता था, लेकिन अब 4,02,000 देना होगा। बचत देखिए 27,000 और कहा 17,000, यानी 10 लाख और 10 लाख से अधिक की जो स्लैब है उनको 17 और 27 का फायदा हो रहा है, लेकिन पहले टैक्स क्या था, लाखों में था, 10 लाख के करीब जिनकी आय थी, लेकिन राहत उनको मिली है 5 लाख जिनकी आय थी, और 13,000 उनको पहले देने पड़ते थे, लेकिन अब कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 10 वालों को थोड़ा यहां पर टैक्स देना होगा। मंत्री ने आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर जहां नौकरी पेशा और मध्य वर्ग के लोगों को राहत देने का काम किया है, वहीं उन्होंने मजदूरों को मासिक पेंशन और किसानों को भी एक तय राशि देकर उनका भी सम्मान किया है। वित्त मंत्री ने 5 एकड़ की भूमि रखने वाले किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है, वहीं मजदूरों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देकर उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है। इधर वित्त मंत्री के पेश किए गए बजट में क्या कुछ खास रहा, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ा ऐलान अंतरिम बजट में ये आज देखने को मिला। ये ग्राफिक्स जिनकी हम बात कर रहे थे, फिलहाल किसे क्या मिला, आयकर की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है, निवेश करने पर 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, अगर आप निवेश करते हैं 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, 3 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर होंगे, यानी मध्य वर्ग आम जन को राहत देने की कोशिश। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है, इसे क्या मिला, लगातार आपको दिखा रहे हम, लेकिन फिलहाल ग्रामीण सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये बड़े फैसले लिए गए हैं, किसानों को, आम वर्ग को, युवाओं को खुश करने की कोशिश की गई है। हरियाणा के लिए क्या खास है, देखिए आप, एम्स मिलेगा 22वां, हरियाणा में ये खुलेगा, देश का 22वां एम्स हरियाणा को सौंपा जा रहा है, तो ये एक बड़ी सौगात है चुनावों से पहले, और चुरावी बजट इसे कहा जा रहा था कहीं ना कहीं, वैसा प्रतीत हो रहा है। 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के खातों में हर साल दिए जाएंगे 6,000 रुपये, आपदा ग्रस्त किसानों को लोन के ब्याज में 5% की छूट मिलेगी, किसानों के लिए बड़ी राहत है। किसानों को, मध्य वर्ग को, युवाओं को देखकर यह बजट बनाया गया, और देश के करीब 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ पहुंचेगा। बहुतायत संख्या पंजाब और हरियाणा के किसानों की भी है, तो कहा जा सकता है कि दोनों जगह किसानों को फायदा होगा। 1 दिसंबर 2018 से फिलहाल योजना लागू होगी, यानी 1 दिसंबर पिछले साल से लेकर ये जब तक सरकार है तब तक, लेकिन गाय के सम्मान के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भी अब बनाने जा रही है सरकार, ये बड़ा फैसला, और गाय की रक्षा के लिए 750 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। ग्रेजुएटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है, ये तमाम बड़ी चीजें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार, क्या कुछ खास रहा है दिन भर। 21,000 रुपए कबाले वाले को 7,000 रुपए बोनस दिया जाएगा, यानी कि 27 उसकी इनकम हो गई एक हिसाब से देखें तो, काम के दौरान श्रमिक की मौत पर दिए जाएंगे 6 लाख रुपए, अगर कोई हादसा हो जाता है या अकारण आस्मिक मृत्यु हो जाती है तो 6 लाख का प्रावधान। और पीएम श्रम योगी मानधन योजना को भी मंजूरी दी गई है,
एक के बाद एक बड़े फैसले। करीब 10 करोड़ मजदूरों को योजना का लाभ मिलेगा। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है, यह आप कह सकते हैं। महिलाओं के लिए का खास, देखिए 2 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और दिए जाएंगे। यानी बहुतायत जो संख्या है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को, मध्य वर्ग की महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। 70% महिलाओं को मुद्रा लोन दिया जाएगा, 70% महिलाओं को। रक्षा बजट देखिए आप, इसको बढ़ाया गया है, 3 लाख करोड़ रुपए किया गया है, ये सबसे अच्छी बात। 3 लाख करोड़ और डायरेक्ट टैक्स वसूली सिस्टम को और आसान बनाया गया है। सरल चीजें होंगी, आसान तरीके से टैक्स वसूली का सिस्टम बनेगा और टैक्स कलेक्शन का जो पैसा है गरीबों के विकास में भी लगेगा। कुछ हिस्सा होगा, स्लैब्स रखी गई हैं, उस हिसाब से गरीबों को ये वितरित होगा। तो ये पूरा खाका है। और रेलवे के लिए देखिए 1.58 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। यानी रेलवे को आधुनिक बनाया जाएगा, नई रेल लाइन बिछेगी, अच्छे कोच आएंगे और